भारतीय जनता पार्टी सीपत मंडल द्वारा नवाडी चौक सीपत में युवा मोर्चा प्रचार प्रसार प्रमुख अभिलेश यादव के नेतृत्व में नवनिर्वाचित सांसद अरुण साव के जोरदार फूरमाला और फटाका फोड़ के गर्म जोशी ले स्वागत करी गई। एकर बाद सांसद अरुण साव हा खम्हरिया स्थित गायत्री मंदिर में बैठक के दौरान क्षेत्रवासी मन के प्रति आभार व्यक्त करत हुए कहिस, ए जीत मोर नहीं बल्कि पूरा कार्यकर्ता और क्षेत्र मन के है। कार्यकर्ता मन के मेहनत के बलबूता मा आज ए जीत संभव हो पाए है। एकर बार कार्यकर्ता और मतदाता मन के प्रति आभार व्यक्त करत हूं। ए मौका मा बड़का संख्या मा भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीण उपस्थित रहे। पाँच सालों में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार थी, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने पिछले पाँच सालों में जो काम किया उसके कारण जनता में नरेंद्र भाई मोदी को लेकर बड़ा आकर्षण था और इसीलिए जनता ने यह महसूस किया कि नरेंद्र मोदी ही वो नेता हैं जिनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ सकता है, देश का विकास हो सकता है, दुनिया में देश का मान सम्मान बढ़ सकता है और इसलिए देश की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नाते मुझे कमल छाप में बटन दबाकर भारी बहुमत से जीत दिलाया है और ये जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये जीत समर्पित है। क्षेत्र के विकास के लिए आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं? बिलासपुर न्यायधानी है, बिलासपुर को न्यायधानी के रूप में स्थापित करना, न्यायधानी के अनुरूप व्यवस्थाएं स्थापित करना ये मेरी प्राथमिकता होगी। लेकिन क्षेत्र का सर्वांगीण विकास, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ क्षेत्र के सभी क्षेत्र की जनता को मिले, राज्य सरकार से भी, राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, सरकार से भी हम क्षेत्र के विकास के लिए पूरी ईमानदारी और निष्ठा से मेहनत करेंगे। क्या कारण है कि मोदी लहर होने के बावजूद भी मतलब मस्तूरी विधानसभा से आपको बढ़त नहीं मिल पाई है? उसकी समीक्षा करेंगे लेकिन जो वस्तु स्थिति है, जनता का आदेश सिरोधार्य है लेकिन उसकी समीक्षा करेंगे और आने वाले समय में मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा बढ़त मिले इसके लिए पहल करेंगे।